बात करें अगर रैग्स टू रिचेस की या फिर फर्श से अर्श तक की, तो जिस तरह से इन्होंने ग्रोथ की है बॉलीवुड में शायद ही कोई इतना ऊपर गया होगा। ये बॉलीवुड में आज सबसे बड़ा नाम है और ये जितने बड़े हैं उससे कई ज्यादा बड़ा इनका दिल था। अक्सर जहां पैसा आने के बाद इंसान खुद के बारे में सोचता है, खुद की फैमिली के बारे में सोचता है, वहीं जब इनके पास दौलत आई तो उन्होंने उन लोगों की मदद की जिनका कोई नहीं है। इतनी बड़ी पोजीशन पर होने के बावजूद और इतनी दौलत होने के बावजूद इन्हें कोई लेना देना नहीं था कि इनकी किचन में क्या बन रहा है। हाँ, लेकिन जहाँ इनके भंडारे थे वहाँ पर ये मेक श्योर करते थे कि सब लोगों को अच्छा खाना मिले और कोई भी भूखा नहीं जाए। इस डिजिटल एज में इनके यूट्यूब चैनल ने इंडिया का नाम रोशन किया है वर्ल्ड में नंबर वन यूट्यूब चैनल बनकर और हर एक इंडियन को प्राउड फील करवाया है। आज हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी धर्मात्मा इंसान गुलशन कुमार की। सब जानते हैं कि गुलशन कुमार एक धर्मात्मा इंसान थे, वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल थे और बिजनेस में जो ऊंचाइयां उन्होंने छुई थी शायद ही बॉलीवुड में इतना किसी ने ग्रो किया था। लेकिन एक टाइम पर इनके साथ भी ऐसा हुआ कि ये बुरे लोगों के संपर्क में आए। तो आज कब की और कैसे में हम आपको यही बताएंगे कि कब वो बुरे लोग इनके साथ इन्वॉल्व हुए, क्यों इन्होंने उन बुरे लोगों की बात नहीं मानी और फिर कैसे उन बुरे लोगों ने इनके खिलाफ प्लानिंग की इन्हीं का नाम मिटाने के लिए। गुलशन कुमार के लाइफ के सबसे भयानक दिन की बात मैं आपसे करूं, उससे पहले आपको बता देना चाहती हूं कि क्यों इन्हें बॉलीवुड में सबसे बड़ा आदमी माना जाता है या क्यों टी सीरीज आज बॉलीवुड में सबसे बड़ा नाम है। तो चलिए अब जानते हैं कि गुलशन कुमार, जिनके फादर एक जूस की शॉप चलाते थे, वो म्यूजिक इंडस्ट्री में कैसे आए। बचपन में गुलशन कुमार अपने फादर के साथ उनकी जूस की दुकान पर बैठा करते थे। इसके बाद उनके फादर ने एक बड़ी शॉप ले ली, वहाँ पर वो कैसेट्स और टेप रिकॉर्डर्स ठीक करने का काम करते थे। धीरे धीरे उन्होंने कैसेट्स बेचने का काम भी शुरू किया और टेप रिकॉर्डर्स भी बेचने लगे। जिस दौरान वो कैसेट्स बेचते थे तभी उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना वो भी म्यूजिक रिकॉर्ड करके खुद के कैसेट्स बनाएं। इसके बाद क्या था, गुलशन कुमार धीरे धीरे ऐसे इवेंट्स में जाने लगे जहां पर भजन संध्या, पूजा पाठ, ये सब चीज़ें होती थी और वहां पर वो कैसेट्स रिकॉर्ड किया करते थे। उनकी यूएसपी ये थी कि जहां मार्केट में कैसेट्स 30 रुपये में मिलते थे वहीं उन कैसेट्स को गुलशन कुमार 10 रुपये में बेचते थे। यही कारण था कि धीरे धीरे उनका इतना बड़ा मुनाफा हो गया कि उन्होंने अपना एक स्टूडियो वहीं दिल्ली में बनवा दिया और तब उन्होंने नाम रखा अपने स्टूडियो का सुपर कैसेट इंडस्ट्री। इसके बाद गुलशन कुमार जहां पूजा पाठ के म्यूजिक करते थे वहीं उनके साथ और भी सिंगर्स जुड़ने लगे और वो नए नए कैसेट्स निकालते रहे। अब गुलशन कुमार का स्टूडियो उस लेवल पर आ गया था कि धार्मिक कैसेट्स के मार्केट में वो नंबर वन हो चुके थे। क्योंकि कैसेट सस्ती थी इसीलिए मुनाफा बहुत ज़्यादा था और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब बिजनेस को एक्सपैंड किया जाए, दिल्ली से मुंबई का रुख किया जाए, धार्मिक गानों से फिल्मी गानों की तरफ रुख किया जाए। गुलशन कुमार ने मुंबई आकर अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया और यहाँ पर म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। तभी उनके कॉन्टैक्ट में आए अनुराधा पौडवाल, नदीम श्रवण, कुमार सानू, उदित नारायण और सोनू निगम जैसे सिंगर्स। फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने शुरुआत की लाल दुपट्टा मलमल का एल्बम से। इस एल्बम के बाद इसी पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। इसके बाद टी सीरीज ने फिल्मों में गाने देना शुरू किया और ये गानों में इन्हें अच्छी खासी कामयाबी मिली। इन्होंने फिल्में दी जैसे कि कयामत से कयामत तक, दिल है की मानता नहीं, आशिकी, सड़क जीना तेरी गली में। टी सीरीज ने बॉलीवुड में आकर बॉलीवुड म्यूजिक की परिभाषा ही बदल दी थी और फिल्म आशिकी के बाद तो गुलशन कुमार के साथ नदीम श्रवण का म्यूजिक बेमिसाल मान लिया गया। इसके बाद इन्हें एक साथ काफी फिल्में ऑफर होना शुरू हो गई। फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स ने मान लिया था कि अगर फिल्म में गाने सुपरहिट करने हैं तो गुलशन कुमार और नदीम श्रवण की टीम बिल्कुल सही है। माहौल ये था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में 65% का मार्केट शेयर सिर्फ और सिर्फ टी सीरीज के पास ही था, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर चाहते थे कि उनके गानों को टी सीरीज ही खरीदे।
यानी कि टी सीरीज के पास मार्केट में मेजॉरिटी थी। और आशिकी फिल्म के गाने देने के बाद नदीम श्रवण का भी बॉलीवुड में काफी नाम हो गया था और दबदबा हो गया था। इसी दौरान नदीम श्रवण की एक एल्बम आई जिसका नाम था हाई जिंदगी। इस एल्बम में नदीम ने खुद 4 गाने गाए थे और उन्होंने अपने दोस्त गुलशन कुमार से कहा था कि आप मेरी इस एल्बम को प्रमोट करो, क्योंकि गुलशन कुमार बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने अपने करियर के स्टार्टिंग डेज से नदीम श्रवण को साथ में रखा है, तो उनके ऊपर दोस्ती का एक प्रेशर भी था, इसीलिए उन्होंने इन गानों को प्रमोट किया। अगर बात की जाए नदीम की, तो वो म्यूजिक डायरेक्टर बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन सिंगर इतने अच्छे नहीं है। और जरूरी नहीं है कि हर इंसान में हर एक क्वालिटी हो। यही कारण था कि नदीम के गानों को गुलशन कुमार ने प्रमोट तो कर दिया था, लेकिन ये सभी गाने पिट गए थे। इन सॉन्ग्स को प्रमोट करने के बाद एक बार फिर से नदीम ने अपने एक सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए गुलशन कुमार को प्रेशराइज किया। इस बार गुलशन कुमार ने प्रोफेशन में दोस्ती को बीच में नहीं आने दिया और उन्होंने क्लियरली कह दिया कि ये गाने अच्छे नहीं हैं, मैं इन गानों को प्रमोट नहीं कर सकता। बस इसी इंसिडेंट के बाद इन दोनों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। इधर नदीम श्रवण ने भी दूसरे लेबल्स के साथ काम करना शुरू कर दिया और गुलशन कुमार, जो कि ऑलरेडी बॉलीवुड में म्यूजिक के मार्केट में 65% का मार्केट कवर कर चुके थे, उन्हें तो सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स की कमी ही नहीं थी, इसीलिए उन्होंने भी नए नए म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। उधर नदीम ने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में क्लियर कर लिया था कि वो जिस फिल्म में टी सीरीज का लेबल होगा उसमें काम ही नहीं करेंगे। और ये बात सुनकर गुलशन कुमार ने भी डिसाइड कर लिया था कि जिस फिल्म में नदीम श्रवण का म्यूजिक होगा वो उस फिल्म को अपने लेबल के साथ प्रमोट नहीं करेंगे। दोनों के बीच तनाव था, लेकिन रास्ते दोनों ने अलग कर दिए थे। इधर टी सीरीज ने भी अपने आर्टिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर्स फिक्स कर लिए थे। अनुराधा पौडवाल करीब करीब टी सीरीज के हर गाने की लीड सिंगर हुआ करती थी, वहीं कुमार शानू, उदित नारायण ऐसे सिंगर्स थे जो ज्यादातर बॉलीवुड में टी सीरीज के गाने गाया करते थे। ये बात है ईयर 1996 की। तब बॉलीवुड कहें या पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कहें, तो कहीं ना कहीं सब लोग अंडरवर्ल्ड के प्रेशर में काम कर रहे थे। अंडरवर्ल्ड वाले बड़े बड़े लेबल्स को कॉल करते और उनसे एक्सटॉर्शन मनी वसूला करते थे। गुलशन कुमार को भी एक बार ऐसा ही कॉल आया और उनसे पैसा मांगा गया। पहली बार था और अपने बढ़ते हुए बिजनेस में वो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के प्रेशर में आकर तब वो एक्सटॉर्शन मनी दे दी थी और कहा जाता है कि एक्सटॉर्शन मनी करोड़ों में थी। इसी दौरान उनके दोस्त जो उनसे अलग हो चुके थे, यानी कि नदीम श्रवण, उसमें से नदीम जो थे उन्होंने अपने अंडरवर्ल्ड के दोस्तों से बात करना शुरू कर दिया और गुलशन कुमार के बारे में कहना शुरू कर दिया कि जिन फिल्मों में हम म्यूजिक देते हैं गुलशन कुमार उन फिल्मों को प्रमोट ही नहीं करते हैं, यहाँ तक कि गुलशन कुमार ने तो हमें काम देने से भी मना कर दिया है। नदीम ने गुलशन कुमार की ये सारी बातें अपने अंडरवर्ल्ड दोस्त यानी कि अबू सलेम और अनीस इब्राहिम, जो कि दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई हैं, उनसे कही। तब अबू सलेम गुलशन कुमार को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अगर खुद की सलामती चाहते हो तो 10 करोड़ दो। जब इस बार कॉल आया तो गुलशन कुमार ने इस बात का जिक्र अपने भाई किशन कुमार से किया और उन्होंने कहा कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से इस तरह के धमकी वाले कॉल्स आ रहे हैं। तब किशन कुमार ने पूरी बात सुनकर उनसे कहा कि तुम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते। तब गुलशन कुमार ने किशन कुमार को कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कहा तो मैं डायरेक्ट दुश्मन बन जाऊंगा अंडरवर्ल्ड वालों का और आगे मुझे बिजनेस करना है, लेकिन ये लोग मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, इसीलिए गुलशन कुमार ने तब भी पुलिस कंप्लेंट नहीं की। 2 बार कॉल करने के बाद भी जब अबू सलेम के पास एक्सटॉर्शन की मनी नहीं पहुंची तो उन्होंने एक बार फिर से 8 अगस्त के दिन गुलशन कुमार को फोन किया। उस दिन उनके साथ उनके भाई किशन कुमार भी मौजूद थे। अबू सलेम ने गुलशन कुमार से कहा कि लगता है तुम हमारी बात को सीरियस ले ही नहीं रहे हो, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, और उन्होंने धमकी दी कि देखो ये सारी चीजें यहीं की यहीं रह जाएगी, सलामत रहना है तो 10 करोड़ भिजवा दो। अबू सलेम को उम्मीद थी कि इस बार तो गुलशन कुमार प्रेशर में आ ही जाएंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। पलटवार करते हुए गुलशन कुमार ने अबू सलेम को जवाब दिया कि तुम्हें पैसा दूं, इससे अच्छा तो मैं गरीबों को खाना खिलाऊं, अपने भंडारों में पैसा दूं, मंदिर बनवाऊं, लोगों की मदद करूं, मैं तुम्हें पैसा नहीं देने वाला हूं। सब जानते हैं कि गुलशन कुमार भगवान के भक्त हैं,
वो बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी हैं। वो हर रोज़ मंदिर जाना पसंद करते थे। इनफैक्ट उनके घर के पास जो मंदिर था, जीतेश्वर महादेव मंदिर, वो वहाँ रोज़ जाया करते थे। जब भी गुलशन कुमार मुंबई में हुआ करते थे तो सुबह शाम दिन में दो बार वो जीतेश्वर महादेव के मंदिर जाया करते थे। ये मंदिर मुंबई के एरिया में स्लम्स के बीच बना एक छोटा सा मंदिर था। गुलशन कुमार पहली बार जब इस मंदिर में गए तो उन्हें एक स्पेशल कनेक्शन महसूस हुआ। यही कारण था कि वो हर रोज इस मंदिर पे जाने लगे। जब भी मुंबई में होते, गुलशन कुमार इस मंदिर पे जाते ही थे। और जैसे जैसे वो इस मंदिर पे जाने लगे, उन्होंने इस मंदिर में अच्छा मार्बल जुड़वाया, इस मंदिर को बहुत भव्य बनवा दिया, जिससे आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। 12 अगस्त की मॉर्निंग हर रोज की तरह गुलशन कुमार अपने घर से मंदिर के लिए निकले थे, क्योंकि वो मंदिर एक आम आदमी की तरह जाते थे। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार बनकर नहीं जाते थे, इसीलिए वो मंदिर पे कभी भी अपने बॉडीगार्ड्स वगैरह नहीं लेकर जाते थे। अकेले आम इंसान की तरह जाया करते थे। सुबह के 10:10 पे गुलशन कुमार मंदिर के अंदर जाते हैं, अपनी पूजा कर वापस आते हैं। जैसे ही गुलशन कुमार अपनी पूजा खत्म करके मंदिर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि तीन आदमी हाथ में गन्स लेकर खड़े हुए हैं और उसमें से एक आदमी उनके ऊपर गोली चला देता है। गुलशन कुमार कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, तो वो आदमी कहते हैं कि यहाँ मंदिर में बहुत पूजा हो गई, अब ऊपर जाके पूजा करना। इसके बाद तीनों आदमियों ने गुलशन कुमार पर एक के बाद एक 16 गोलियों से वार करके उन्हें खूनाखून कर दिया। गुलशन कुमार की वही मौत हो गई। 12 अगस्त ही वो दिन था जिस दिन बॉलीवुड के सबसे बड़े दिल वाले आदमी, सबसे बड़े धर्मात्मा आदमी गुलशन कुमार ने उसी मंदिर के बाहर अपनी आखिरी सांस ली। जिस वक्त गुलशन कुमार की डेथ हुई, उस वक्त उनके बेटे भूषण कुमार बहुत ही छोटे थे, इसीलिए उनके छोटे भाई यानी कि किशन कुमार ने टी सीरीज को संभाला और बहुत ही ईमानदारी से इस कंपनी को आगे बढ़ाया। और जब भूषण कुमार बड़े हुए तो उनके चाचा किशन कुमार ने उनके पिताजी की संपत्ति पूरी की पूरी उन्हें लौटा दी। और आज के सिनेरियो की अगर बात करें तो सिर्फ म्यूजिक में ही नहीं बल्कि फिल्म प्रोडक्शन में भी टी सीरीज सबसे बड़ा नाम है। ना सिर्फ नए सिंगर्स बल्कि नए एक्टर्स भी आज की डेट में टी सीरीज से जुड़ना चाहते हैं। और भूषण कुमार ने आज टी सीरीज को बॉलीवुड में नंबर वन पे ला दिया है। टी सीरीज आज बॉलीवुड की नंबर वन कंपनी है। भूषण कुमार की मेहनत से ये कंपनी आज 100 गुना ज़्यादा बड़ी हो गई है पहले से। साथ ही अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पर तो टी सीरीज यूट्यूब का नंबर वन चैनल है। इसीलिए कहते हैं कि आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। कुमार फैमिली से ही ये सीखने को मिलता है कि एक जूस की दुकान से शुरुआत करके कैसे डिजिटल में वर्ल्ड के नंबर वन चैनल बन सकते हैं। कब, क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको भी बॉलीवुड से रिलेटेड ऐसे ही कुछ किस्से मालूम हैं तो वो भी कॉमेंट कीजिए। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।